You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you. Just wait. हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने सभी एससी एसटी ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। साथियों, आज आप यहां पर बीएसपी की कैडर मीटिंग में शामिल हुए हैं। सबसे पहली बात, जो आज यहां महिला इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, आप सबको देखकर, आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सब बीएसपी के बहुत पुराने सिपाही, आप सब यहाँ पर तब से हैं
जब से माननीय साहब ने पहला कदम उठाया था अपने दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने के लिए। आप सबके बीच में मैं कोई ऐसी बात नहीं कह पाऊंगा जो आपको मालूम ना हो। आपने माननीय साहब का, आपने बहन जी का संघर्ष ना सिर्फ देखा और सुना है, बल्कि आपने उस संघर्ष में हिस्सा लिया, आपने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और आज आपने बीएसपी को, इस मूवमेंट को, इस मिशन को एक ऐसे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि आज राजनीति में, भारत की राजनीति में हमारे समाज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारे यहाँ आज भी हम बीएसपी नेशनल की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बट आज भी हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो आज भी हमारे समाज के लिए बाबा साहब जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था तय की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लाभ हमें आज भी पूरे नहीं मिल पा रहे। जब जब बीएसपी ताकत, जब जब बीएसपी पावर में रही, तब तब आप सबने अपने समाज के हर एक व्यक्ति को बढ़ते हुए एक अपना अच्छा जीवन व्यापन करते हुए महसूस और देखा। परंतु जब से हम पावर से बाहर हैं, तो जो अत्याचार पहले होते थे वो अब फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज हम ऐसे मोड़ पे आकर खड़े हो गए हैं कि हमें बीएसपी में वही दोबारा से जान भरनी होगी, जिस तरीके से आप सब ने माननीय साहब और बहन जी का साथ देकर इस मूवमेंट को यहां तक लाके खड़ा किया। साथियों, आप सब ने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया जिसने बाबा साहब के विचारों को अपने खाली शब्दों में ना लिखकर अपनी रणनीति में, अपनी पॉलिसीज में, आप एक बार पावर में आने के बाद उसको एक्चुअली जमीन हकीकत पे इंप्लीमेंट करा। आपने उस पार्टी का साथ दिया, आपने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया जहां पे आपको पता था कि आपके समाज के लिए ये पार्टी दिन रात काम करती आई है और आगे दिन रात काम करती रहेगी। परंतु अब समय आ गया है कि आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को अब मौका दिया जाए। अगर मैं आप सब से खुल के पूछूं, तो यहां पर कितने लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है? कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है? यहां पे शायद ही कुछ हाथ खड़े हैं। साथियों, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि यह पार्टी उसी मजबूती से, उसी ताकत से आगे बढ़ती रहे, तो अगली कैडर मीटिंग में आप अकेले ना आए, आप अपने बच्चों को साथ में लेकर। जब ये मूवमेंट चालू हुआ था तो आप सबकी भी उम्र 18-20 साल की रही थी। आज आप सब इतने बड़े हैं कि आप हम सबको, युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं, हमें दिशा दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें समझाएं, ताकि ये नीला खून जो आप सबके रगों में दौड़ रहा है वो आपके बच्चों में भी दौड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब आप लड़े, तब तब आप लोगों को आपके हकों का
पूरा पूरा सम्मान मिला आपको, आपके सारे हकों का इस सरकार ने अपना वादा निभाया। परंतु जैसे जैसे बीएसपी की नई पीढ़ी जमीन पे फिर उतरेगी, वैसे वैसे जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, आप माता पिता हैं, आपकी समस्याएं हैं आपके बच्चों के लिए नौकरी ना मिलना, उनकी सुरक्षा की समस्या, आपके यहाँ पे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, वो पूरा कराने के लिए अब आप नहीं मैदान में उतरेंगे, आपके बच्चे अब मैदान में उतरेंगे बसपा के साथ। आप जानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है जेजेपी के साथ मिलकर। जब हम बीजेपी बोलते हैं और जेजेपी बोलते हैं तो हम किसी समाज को अलग नहीं कर रहे। बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी, कमजोरों और मजदूरों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। जब हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, किसी की कमियां गिनवाते हैं, तो हम उसके उस व्यक्ति की बात मत कर रहे हैं, हम उसके व्यक्ति के समाज की बात नहीं कर रहे। आज यहाँ पर सब समाज के लोग बैठे हैं, हमारे चौधरी समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अत्याचार सब पे हुआ है, एक आदमी के बुरे काम करने से उसका समाज खराब नहीं होता, हमने ये देखा है 2007 में देखा है, उससे पहले हर एक इलेक्शन में देखा है, यूपी में देखा है, यहाँ तक कि हमने हरियाणा में भी देखा है। आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ये हम सब ने देखा। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, वो मानवादी सोच रखने वाले लोगों की सरकार चल रही है। यहाँ पे जब वो आपसे वोट मांगने आए थे तो आपसे कई वादे किए, माताओं को कहा कि सुरक्षा देंगे, हमारे बुजुर्गों को कहा कि आपके बच्चों के लिए नौकरी देंगे, आपके आपके साथ गांव-गांव में घूमे, आपको ऐसी ऐसी बातें बताई, कहा कि आपको पेंशन देंगे। मेरे यहाँ साथ मौजूद सभी साथी, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों के बच्चों के लिए भी नौकरियाँ यहाँ पे? आज भी आप अपने बच्चों के लिए नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आपके बच्चे दर बदर इधर से उधर भटक रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। साथियों, क्या आपके लोगों के आपको खाते में पेंशन आई? नहीं आई। ऐसे ही उन्होंने अनेकों वादे किए, परंतु एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा, जो सुरक्षा का भी वादा किया, आज यहाँ हरियाणा में ये हाल है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई बलात्कार का, चोरी चकारी का, गुंडागर्दी का, किसी ना किसी समाज के व्यक्ति पर अत्याचार का केस दर्ज किया जा रहा है। आप लोगों ने बीएसपी की चार बार की सरकार देखी है, क्या आप लोगों ने ऐसी कोई खबर सुनी कि यहाँ पर यूपी में किसी समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ कि यहाँ पे बांटने का काम हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ, ब्राह्मण चमार हुआ, ऐसे कोई काम सुने आपने? 5 साल के सरकार के राज, पूरे सरकार के कार्यकाल में आपने सुना ऐसा कोई काम होता हुआ? बहन जी ने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में सिर्फ भाईचारे की बात करी, कहा कि अगर ब्राह्मण है, अगर पंडित है, अगर जाट है, गुजर है, तो क्या चमार के साथ नहीं चल सकता? चल सकता है, और उन्होंने वो करके दिखाया। हमें वही चीज यहां पे भी पैदा करनी है। साथियों,
यहाँ की राज्य की जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है उसकी विफलताएं आप बखूबी जानते हैं। मैं आपको सीधा केंद्र की विफलताओं के बारे में बताऊंगा चंद तीन चार बातें, जिससे हम सबको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने नोटबंदी का काम किया, रात को 8 बजे आए और आपको बोला आपके 1,000 और 500 रुपए के नोट बेकार हैं, जो आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, जो इतनी मेहनत से आपने एक एक रुपए 10-10 रुपए करके जोड़े, आपके सारे मेहनत के पैसे खत्म कर दिए। और किस काम से, किस नाम से कि हम काला धन खत्म करेंगे? हम हर उस दोषी को पकड़ेंगे जिसने काला धन इकट्ठा किया है और उसे जेल भेजेंगे। आज आप यहां सब बैठे हैं, कितने लोग काले धन के केस में पकड़े गए, कितने पकड़े गए, कितने लोग जेल गए और कितने लोगों के पैसे मर गए। यहां पे बैठे मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैसे ना खराब हुए, किसी की मेहनत खराब ना हुई हो, परंतु ये जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने कि नोट बंद कर दिया, काला धन लेके आएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये बस बड़ी बड़ी बातें करी अपने बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए। आज उन सब उद्योगपतियों की कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं, कमाया है तो सिर्फ उन्होंने। हमारे यहाँ जितने भी गरीब साथी हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिनके जिनों जो लोग खेती बाड़ी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उन सब का पैसा मारा गया। साथियों, उन्होंने फिर वादा किया था कि हम जब केंद्र की सरकार में आएंगे तो यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ा दी। हम पूछते हैं कि किसानों की आमदनी तो बढ़ाने की बात आपने कर दी, बट जो इतना बड़ा वर्ग है बहुजन समाज का, जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है, उनके लिए क्या प्रावधान करें आपने? क्या प्रावधान करें उनके लिए जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है? उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। और किसानों के लिए आय दुगनी करने का वादा तो कर दिया, परंतु ना आय दुगनी हो सकी, ऊपर से फार्मर बिल टाइप के लॉ पॉलिसीज निकाल कर हमारे किसानों को दबाने का काम जरूर किया। साथ ही साथ उन्होंने वादा किया था कि गरीबों को जो बेघर हैं उनको घर दिए जाएंगे। साथियों, आप लोग जिनके पास घर है, जो मेहनत से अपनी छत का जुगाड़ कर पाए, आप लोगों के आसपास बहुत लोग हैं जो आज भी बेघर घूमते, आप कितने लोग हैं जिनको घर मिल पाया? यहां पे बैठे कितने लोग बता सकते हैं कि हाँ, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास रोजगार, हमारे आसपास जो मिलने वाले लोग थे जिनके पास घर नहीं था, उन्हें घर की व्यवस्था करके दी? हाथ उठा के बताइए जिनको नहीं मिल पाए। साथियों, ये हकीकत है इस भाजपा सरकार की, बड़े बड़े वादे करना पर हकीकत पे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते। उन्हें फोटो खिंचवानी आती है, फोटो खिंचवानी आती है, टीवी पे चमकाना आता है, परंतु जो समाज उनके लिए वोट करा था, जिस समाज को उन्होंने ये झांसा दिया था, उस समाज को वो भूल गए। उस समाज के साथ बीएसपी आज से नहीं, मान्यवर साहब के समय से खड़ी। और आज मैं आप सब से, आप सब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अब आपको अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, ताकि ये जो ताकतें आज केंद्र सरकार में हैं, राज्य की सरकार में हैं, उनको हराने के लिए आप ही का खून आगे लगेगा, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उसी तरीके से सफल हो सके जैसे आप लोगों के लिए बहन जी ने किया है अपने 4 बार के शासनकाल में।
बीएसपी से क्यों जुड़ना चाहिए, बहन जी ने क्या काम किया, आपको क्या फायदा है बीएसपी के साथ खड़े होकर। साथियों, बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में लंबे चौड़े कभी वादे नहीं किए थे। उन्होंने समाज के साथ, सर समाज के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों काम करके दिखाए। बहन जी ने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करने का काम किया। अब बस आपका एक साथ चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन कॉलेजेस और उन यूनिवर्सिटीज में भेजें, बीएसपी से जोड़े, ताकि वो फिर आगे बढ़कर अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए काम कर सके। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना के तहत, उन्होंने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत उन्होंने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च। क्या यहाँ की सरकार आप लोगों के सामने आके ऐसा बोल सकती है कि वो उन्होंने आपके बच्चों के लिए कितना पैसा खर्चा, उन्होंने कितना टाइम लगाया, कितनी मेहनत करी अपनी बच्चियों को, आपके बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। बहन जी ने ये काम करके दिखाए, अब आपका काम है आगे जाके ये सारी बातें बता। आदरणीय बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में स्टूडेंट, सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था देखी। बहन जी ने सर समाज के बच्चों के लिए ध्यान रखा। उन्हें पता था कि अगर किसी तरह कॉलेज में दाखिला हो भी जाए तो वहां रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, खर्चा बहुत आता है, तो उन्होंने उन कॉलेजेस के हॉस्टल्स में 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की, ताकि हमारे सर समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के बच्चे भी आगे पढ़ के आगे बढ़ सके। आदरणीय बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। अपने समय में 3,250 करोड़ रुपए बहन जी ने अपनी बच्चियों को दिए, ताकि वो अपना जीवन व्यापन एक इज्जतदार तरीके से व्यापन कर सके, उन्हें फाइनेंशियली मजबूत कर सके। क्या यहाँ की केंद्र सरकार या राज्य सरकार आप लोगों के सामने आके खड़े होकर ये बोल सकती है कि उसने कितने पैसे दिए आपके? 200 रुपये, 300 रुपये, 1100 रुपये की बात करते हैं। 1100 रुपये, 1200 रुपये में किसका घर चल रहा है आज की डेट में? राशन मुफ्त में देने की बात करते हैं, मुफ्त राशन देके क्या आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? आप ही खुद बताइए, हमारी माताएं घर में बैठती हैं, उन्हें देखना पड़ता है घर का हिसाब किताब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 1200 रुपये में आप अपना घर चला सकते हैं? क्या फ्री राशन अगर मिल जाएगा तो आपकी बच्चे क्या अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? मैं यहां बड़े सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा नौकरी नहीं करने जाएगा, काम पे नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? आवारागर्दी, गुंडागर्दी, गलत रास्ते पे चलने, यही सब काम होंगे ना? आपको अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य अगर देना है तो इन सब फालतू के वादों में मत आइएगा। मुफ्त में ना राशन से, ना बिजली से, ना ये 500-1500 रुपए के पेंशन से। उनसे पूछिए कि कितनी नौकरियां दी आपके समाज के लोगों को, कितने जमीन के पट्टे दिए उन्होंने, कि आप लोग अपने आप मेहनत कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC ST OBC व आदिवासी समाज के लिए
कि 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया गरीब आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1,00,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी और 2,00,000 से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। सब समाज से ये बातें सुनी कि बहन जी ने जब ये नौकरियां दी तो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के आधार पर नहीं दी, उन्होंने हर समाज से, हर परिवार से एक एक बच्चे को उन नौकरियों में दे, उस नौकरी को देने का काम किया ताकि सर्व समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने ऐसे ठोस कदम उठाए जिसके तहत हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। अब आपका काम है कि आप अपने बच्चों को आने वाले कैडर मीटिंग में भेजें, सेक्टर और बूथ लेवल की कमिटियों में उनको आगे प्रमोट करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने, आपने तो अपना जीवन व्यापन कर लिया, आप लोगों ने नौकरियां देखी, आप लोगों ने अब बहन जी के समय में एक स्टेटस देखा, सर समाज को मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में बहन जी ने लाकर खड़ा किया और आप लोगों ने उस सब का फायदा उठाया। पर अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को आगे करें, उन्हें बूथ लेवल पर कमेटी में उनका नाम दर्ज करा के उन्हें उन बूथ लेवल की कमेटियों में भेजें, सेक्टर की कमेटियों में भेजें, विधानसभा कमेटी में भेजें और उनको बताइए कि बहन जी ने जो काम किए हैं वो जाके अपने दोस्तों को, अपने समाज में अपने भाई बहनों को बताकर बहन जी का और DSP का प्रचार करें कि अब तो हाथी आ रहा है, कि इस बारी हरियाणा में और लोकसभा में हाथी आ रहा है। आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।